बच्चों को ये सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर जब मैं इसका भुजिया बनाकर बच्चों को देती हूँ तो वे बड़े प्यार से खाते हैं। इस सब्जी से हमारी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद सुषमा में। तो आज हम बनाएंगे चठैल की भुजिया, जिसे लोग ककोड़ा, चठैल, कंटोला, खिक्सा, मीठा करेला, इन सब चीजों से जाना जाता है। तो आज हम बनाएंगे चठैल की सब्जी। इसे हम काट लेते हैं। चठैल को हम साफ पानी से धो लेंगे, क्योंकि जो ये रेशे हैं इसके अंदर धूल मिट्टी जमी रहती है, इसलिए हम इसे साफ पानी से धो के तब काटेंगे। अब हम इन्हें धो लेते हैं। अब मैंने इन्हें साफ पानी से अच्छे से धो लिया है, पानी में से इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे काट लेंगे, इसकी डंडियों को हटा लेंगे पहले। बीच से काट लेंगे और इसे भुजिया के आकार में, जैसे भुजिया कटती है वैसे काट लेंगे। सभी सब्जी को हम ऐसे काट लेंगे। सभी सब्जियां हमने काट ली है। हमारे तरफ इसे चठैल कहा जाता है, आपके तरफ इसे क्या कहा जाता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, हल्का सा इसमें खट्टापन आता है। सब्जी हमने काट के तैयार कर ली है, अब चलते हैं हम इसे बनाने। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे चठैल। ये सब्जी बरसात के मौसम में मिलती है और ये हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे हम बराबर चलाते रहेंगे। अगर मेरी ये सब्जी बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके लिए आपको मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सब्जी को बराबर चलाते रहेंगे, 2 मिनट के लिए इसे ढक के पका लेंगे। अब हम इसे चेक कर लेंगे। ये हल्का सा पक चुका है। अब हम इसमें थोड़े से कटे हुए प्याज डालेंगे, ऑप्शन में है, अगर आपको पसंद आए तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे। साथ में डाल देंगे हरी मिर्ची 2 कटी हुई, स्वाद अनुसार नमक, साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। सभी को अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। और इसे थोड़ी देर पकने देंगे, ढक देते हैं। सब्जी को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएगी। सब्जी हमारी पक चुकी है, बस इसे थोड़ा सा हल्का ब्राउन करके उतार लेंगे। तेज आंच पे पकाएंगे। अब डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, सबको चला लेंगे। चठैल की सब्जी बनकर हमारी तैयार है। आप इसे भुजिया भी बोल सकते हैं और सब्जी भी। ये इसी तरह से बनाकर खाई जाती है। चलते हैं सर्व करने, दाल चावल और चठैल की भुजिया। तो चलिए दोस्तों खाने को सर्व करने चलते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे चावल, इसे हटा लेते हैं।
चावल निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे दाल। और अब हम निकालेंगे अपनी सब्जी जो हमने बनाकर तैयार की है। और साथ में मैंने बनाया है बिहारी स्टाइल में कच्चे प्याज वाला चोखा, जिसे भरता भी कहते हैं, इसे भी हम निकाल लेंगे। और साथ में अचार, टमाटर धनिया की चटनी, पापड़ साथ में रहे तो खाने का मज़ा ही दुगना हो जाएगा।